जनरली हमारे देश के अंदर किसी भी बड़े प्रोजेक्ट के अंदर डिले होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 5, 10 या 15 साल का डिले सुनना कोई नई बात नहीं रही है, लेकिन हमारे देश के अंदर एक ऐसा प्रोजेक्ट भी है जिसे कंप्लीट करने के लिए 56 साल का समय लगा, 56 years, और ये आज तक इंडिया की हिस्ट्री का वन ऑफ द मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल प्रोजेक्ट भी माना जाता है। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ सरदार सरोवर प्रोजेक्ट की, एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसका फाउंडेशन स्टोन ले किया गया था देश के पहले प्राइम मिनिस्टर जी के द्वारा, जबकि इसका इनॉग्रेशन किया गया था हमारे करंट प्राइम मिनिस्टर जी के द्वारा। और सरदार वल्लभ भाई पटेल के विजन से बना हुआ यह प्रोजेक्ट जितने इश्यूज फेस करता हुआ आया इन 56 सालों में, वो देश के किसी भी दूसरे प्रोजेक्ट ने आज तक फेस नहीं की। ये वन ऑफ द वो फ्यू प्रोजेक्ट था जो सरदार पटेल जी दिल से अपने सामने कंप्लीट होते हुए देखना चाहते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हो पाया। और ऐसी सरदार पटेल जी के बारे में कुछ और बातें भी हम करेंगे, लेकिन किस तरीके से पॉलिटिक्स, ग्रीड, इल-फेटेड एक्टिविज्म, जुडिशरी का गलत इस्तेमाल करना और स्टेट्स के बीच में होने वाली लड़ाई किसी देश के अरबों रुपए पानी में गंवा सकती है, इसका उदाहरण है सरदार सरोवर प्रोजेक्ट। और जो देश के इलाके सालों पहले समृद्ध बन सकते थे, वो इन गलत इंटेंशंस के वजह से दशकों पीछे रह गए। तो इस प्रोजेक्ट के अंदर हुआ क्या, आज की इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे। सरदार सरोवर डैम, जिसे ग्रेविटी डैम के नाम से भी जाना जाता है, ये ना सिर्फ इंडिया में बल्कि पूरे वर्ल्ड में वन ऑफ द लार्जेस्ट डैम्स में से एक है। ये डैम गुजरात के नर्मदा डिस्ट्रिक्ट में नर्मदा नदी के ऊपर बना हुआ है और इसकी लेंथ 1.2 किलोमीटर है जबकि डेप्थ 163 मीटर है। इस डैम को सरदार सरोवर प्रोजेक्ट के अंतर्गत बनाया गया था, जो सिर्फ एक डैम नहीं है बल्कि मल्टीपल स्टेट्स में फैला हुआ एक काफी बड़ा प्रोजेक्ट है। हमारे देश के पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के विजन में से इस प्रोजेक्ट को बनाया जा रहा था, और इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा अप्रैल 5, 1961 को इस प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी थी। लेकिन इसके बाद में एक एक कर इस प्रोजेक्ट में कई सारे रेजिस्टेंस आए, जिसकी वजह से इस प्रोजेक्ट को तैयार होने में 56 इयर्स का वक्त लग गया। अब ये जो सारी समस्या आई, इन्हें एक एक करके समझते हैं। पहली जो समस्या आई वो थी नर्मदा नदी के वाटर डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड। तीन स्टेट्स, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बीच में विवाद शुरू हो गया, और इन तीनों स्टेट्स ने अपनी डिमांड जो है सामने रखी कि नर्मदा नदी का ज्यादातर पानी उन्हें मिलना चाहिए। इस विवाद के अंदर ही कई सारे साल वेस्ट हो गए, लेकिन फाइनली 1969 में नर्मदा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल या NDWT का गठन किया गया। बेसिकली आप कह सकते हो एक डिसीजन मेकिंग बॉडी बनाएगी, एक काइंड ऑफ सब्स्टिट्यूट ऑफ जुडिशरी बनाएगी सिर्फ और सिर्फ इस डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए। बाद में इन स्टेट्स को कहा गया कि वो अपनी जरूरतों के हिसाब से रिपोर्ट्स बनाएं और NWDT को सबमिट करें, और NWDT ने इन तीनों रिपोर्ट्स को अच्छे से स्टडी किया और 1979 गठन के 10 साल बाद अपना फैसला दिया, और इसके हिसाब से डैम का 35 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी 65% मध्य प्रदेश को देना होगा, 32% गुजरात को और बचे हुए 3% को राजस्थान और महाराष्ट्र को देने के लिए कहा गया। और 1988 में रिजल्ट आने के ऑलमोस्ट 10 साल बाद में इस प्रोजेक्ट के कमीशनिंग के लिए ग्रीन सिग्नल दिया गया, यानी तब ये प्रोजेक्ट जो है इस हिसाब से बनना शुरू हुआ कि इन तीनों स्टेट्स को अपना डिस्ट्रीब्यूशन मिले। तो कुछ दशक तो यहीं पर गुजर गए। इस प्रोजेक्ट काम शुरू ही हुआ था कि कुछ नए इश्यूज के चलते इसके काम को तुरंत रोक दिया गया, और इस बार जो रीजन बना इस प्रोजेक्ट के काम के अंदर कॉमा लगने का, वो थे सोशल एक्टिविस्ट। कुछ सोशल एक्टिविस्ट ग्रुप ने इस प्रोजेक्ट को लेकर विरोध जताना शुरू किया। इनका कहना यह था इस प्रोजेक्ट की वजह से एनवायरमेंट को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचेगा। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट के द्वारा निर्धारित जो रिक्वायर्ड एनवायरमेंटल सोशल कंडीशंस है वो इस प्रोजेक्ट के द्वारा पूरी नहीं की जा रही, और इस रीजन को ध्यान में रखते हुए इस प्रोजेक्ट के खिलाफ आवाजें उठाना शुरू कर दी। और ये जो पूरा प्रोटेस्ट चला उसके अंदर जो प्रमुख थे उनका नाम था मेधा पाटकर। इन प्रोटेस्ट के जरिए नर्मदा बचाओ आंदोलन की शुरुआत हुई, और ना सिर्फ नेशनल लेकिन इंटरनेशनल लेवल तक ये प्रोटेस्ट पहुंचे, जहां पर दुनिया भर से इस प्रोजेक्ट को रोकने के लिए कई सारे लोगों ने विरोध जताया। इस आंदोलन से जुड़े हुए जितने भी सोशल एक्टिविटीज थे उन्हें जब पता चला कि वर्ल्ड बैंक इस प्रोजेक्ट को फंड कर रही है, तब बिना एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट मिनिस्ट्री की परमिशन के उन्होंने डायरेक्टली वर्ल्ड बैंक से इसकी फंडिंग रोकने की कोशिश तक की, और इस प्रोजेक्ट को स्टॉप करने की यहाँ पर एक काफी ज्यादा तगड़ी कोशिश हुई, और उसे वो करने में काइंड ऑफ सक्सेसफुल भी रहे, जिसके वजह से इस प्रोजेक्ट की फाइनेंसिंग रुक गई और ये प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ सकता था। इस प्रोजेक्ट को रोकने के लिए मेधा पाटकर के अलावा भी कई दूसरे लोगों ने अपना सहयोग दिया, जिनके अंदर अरुंधति रॉय, बाबा आमटे, आमिर खान जैसे बड़े बड़े नाम भी रह चुके हैं। और इस प्रेशर की वजह से मार्च 31, 1993 में वर्ल्ड बैंक को इस प्रोजेक्ट के लिए अपनी फंडिंग कैंसिल करनी पड़ी। अब इस दूसरे इशू के खड़े होने के बाद में इस डैम के हाइट को लेकर भी कई सारे
समस्याएं बढ़ी। इस डैम के हाइट को बढ़ाने की वजह से कई लोग डिस्प्लेस हो रहे थे और इस मामले में लोग कोर्ट पहुंचे। कई सारे केसेस फाइल किए गए जिसके बाद 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया कि डैम के कंस्ट्रक्शन पर स्टे लगा दिया जाए, लेकिन 4 साल बाद ही सुप्रीम कोर्ट ने ये स्टे खुद हटा भी दिया। अक्टूबर 18, 2000 में सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया कि डैम के कंस्ट्रक्शन को शुरू किया जाए। इसके ऑर्डर्स उन्होंने दिए और ये डिसीजन बेसिकली दिया कि इस डैम के बनने की जो हार्म होने वाले हैं उसके कंपैरिजन में बेनिफिट ज्यादा है, और इसके वजह से कुछ कंडीशन सुप्रीम कोर्ट ने रखे जिसके अंदर बेसिकली डैम के हाइट बढ़ने की वजह से जितने भी लोग डिस्प्लेस हुए हैं उन्हें रिहैबिलिटेट करने की बात की गई थी। साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल डिसीजन इस डैम की हाइट के लिए 121.92 मीटर का दिया, जिसके बाद में फाइनली ऑलमोस्ट 40 साल के डिले के बाद में रियलिटी में इस प्रोजेक्ट का काम शुरू हुआ और इस बार एक्चुअल में वो आगे भी बढ़ पाया। सरदार पटेल जी ने जो एक विजन रखा था इस प्रोजेक्ट के लिए वो इंडिया के अगले 50-60 सालों को देखते हुए लिया गया था। उनका मानना ये था कि अगर वो इस प्रोजेक्ट को अपने टाइम पीरियड के अंदर कंप्लीट होते हुए देख पाते तो जो रीजन था गुजरात का, मध्य प्रदेश का, राजस्थान का, महाराष्ट्र का, वो देश की आजादी के बाद में ज्यादा तरक्की कर पाएगा, किसानों को इसके जैसे फायदा मिलेगा, इरिगेशन बड़े पैमाने पर होगा। और इस विजन के साथ में इस प्रोजेक्ट को किया गया था कि आने वाले 30-40 साल बाद में इसका फायदा एक्चुअल में ग्राउंड पर नजर आए, लेकिन 40 साल का तो डिले ही हो गया और उसी के चक्कर में जो मेन फायदे इस डैम के होने वाले थे वो कभी भी रियलिटी में बनते हुए नजर नहीं आए। सरदार पटेल जी को द आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है और इन्हीं सरदार पटेल जी की बायोग्राफी आप कुकू एफएम पर सुन सकते हो। जैसे आप लोगों को अब तक पता ही होगा कि कुकू एफएम एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है आपके सारी लिस्निंग नीड्स को पूरा करने के लिए, चाहे वो पॉडकास्ट हो, इंटरव्यूज हो, ऑडियो बुक्स हो, बुक समरीज हो या फिर कोई और चीज। और कई सारे लैंग्वेजेस में, जॉनर्स में कुकू एफएम आपको एक काफी अच्छा ऑडियो लिस्निंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड कराता है। हजारों बुक्स में से आप यहाँ पर चूज कर सकते हो और अपने प्रोडक्टिव और नॉन प्रोडक्टिव दोनों टाइम का यूटिलाइजेशन कुकू एफएम के साथ में ज्यादा बेहतर तरीके से कर सकते हो। और आप सब जानते ही हो कि अभी नया साल आने ही वाला है और अपने टाइम को ज्यादा प्रोडक्टिवली यूज करने के लिए, अपने आप में एक चेंज लाने के लिए आप कुकू एफएम के जरिए एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में नए साल में एंटर कर सकते हो। और इसीलिए अभी अगर आप कुकू एफएम के प्रीमियम सब्सक्रिप्शन को परचेज करते हो तो आपको NY50 कोड को इस्तेमाल करते हुए 50% का सेल ऑफर मिलेगा, यानी डेली बेसिस पर आप 1 रुपए से भी कम में कुकू एफएम के प्रीमियम कंटेंट को एंजॉय कर सकोगे। सिर्फ आपको ध्यान ये रखना है कि कूपन कोड NY50 सिर्फ 31st दिसंबर 2021 के रात के 12 बजे तक ही एप्लीकेबल होगा। तो अगर आप भी अपने प्रोडक्टिव और नॉन प्रोडक्टिव दोनों समय को एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में यूटिलाइज करना चाहते हैं तो अभी लिंक को क्लिक करें, कुकू एफएम के प्रीमियम सब्सक्रिप्शन को परचेज करें और कूपन कोड NY50 यूज करना ना भूले। अब बात करते हैं जो साल 2000 में आए हुए कोर्ट डिसीजंस थे उसके बाद में ये प्रोजेक्ट आगे कैसे बढ़ा। जब 2000 में इसे क्लीयरेंस मिल गई उसके बाद ने गुजरात के अंदर एक काफी स्टेबल सरकार रही, अलग अलग तरीकों से इसे फंड मिलना भी शुरू हुआ जिसके वजह से ये प्रोजेक्ट फाइनली अपने ट्रैक पर आ पाया। इसका काम काफी ज्यादा स्पीड के साथ में किया गया और फाइनली सितंबर 17, 2017 में बनकर ये डैम तैयार हुआ और उसका उद्घाटन देश के 14th प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने किया। यानी इस डैम के आधारशिला रखने और एक्चुअल में कंप्लीट होने के बीच में देश के 14 प्राइम मिनिस्टर बदल गए। आज सरदार सरोवर डैम जो है वो सिर्फ डैम नहीं है लेकिन एक बहुत बड़ा लाइफ रिसोर्स है और एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी। आप सब ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बारे में सुना ही होगा। आज यहाँ पर इस डैम के अलावा कई सारे व्यूइंग पॉइंट्स हैं, जूलॉजिकल और चिल्ड्रंस गार्डन है, कई सारे ऐसे एडवेंचर एक्टिविटीज करने के लिए है और बड़े पैमाने पर इनफैक्ट देश के सबसे ज्यादा फेमस टूरिस्ट स्पॉट से भी ज्यादा बड़े पैमाने पर लोग आज के डेट में यहाँ पर इस डैम के साथ साथ दूसरी चीजों को देखने के लिए विजिट करते हैं। इनफैक्ट मैं भी यहाँ पर विजिट कर चुका हूँ और मैंने एक सेपरेट व्लॉग भी बनाया था जो आप यहाँ पर जाके देख सकते हो। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में, किस डैम को फाइनली किस तरीके से बनाया गया और इसकी वजह से क्या क्या फायदे पहुंचे। तो अगर कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जाने इस डैम के बारे में, तो इस डैम की हाइट इतनी है, बेसिकली इसके दूसरी तरफ में इतना डीप पानी कलेक्ट हो जाता है कि कोई 40 फ्लोर की बिल्डिंग भी वहां पर डूब जाए। इस डैम के कंस्ट्रक्शन के दौरान जो क्रेन्स मंगाई गई थी वो जर्मनी से थी और अभी आप जो छोटा सा क्लिप देख रहे हो वीडियो का उसके अंदर जो तार आपको नजर आ रही है उतनी मोटी ये तार हुआ करती थी जो सामान ढोने का काम करती थी इसके कंस्ट्रक्शन के दौरान। 300 करोड़ गुनी सीमेंट इसके अंदर इस्तेमाल हुआ, जो इतना ज्यादा सीमेंट है कि अहमदाबाद से लेकर बेंगलुरु तक का एक पूरा कंक्रीट एक्सप्रेसवे बन जाए। इस डैम को बनाने के लिए 1,00,000 टन लोहे का इस्तेमाल किया गया जिसे इस्तेमाल करते हुए 14 आईफिल टावर्स बन सकते हैं जो पेरिस में मौजूद है। यानी यह प्रोजेक्ट दुनिया के किसी भी बड़े मेगा प्रोजेक्ट के कंपैरिजन में बिल्कुल भी पीछे नहीं है। बात करें इस प्रोजेक्ट के बेनिफिट्स की तो ये इस प्रोजेक्ट की सबसे अच्छी बात है। इस प्रोजेक्ट की वजह से महाराष्ट्र के अंदर 37,500 हेक्टेयर की जमीन में इरीगेशन उपलब्ध होता है, गुजरात में 18,00,000 हेक्टेयर जमीन में इरीगेशन उपलब्ध होता है और बचा हुआ जो है वो MP राजस्थान को मिलता है। 10,000 गांव गुजरात में
ऐसे है जहां पर आज इस डैम के कैनाल जो है उनकी वजह से पानी पहुंचता है, 150 सिटीज में पानी पहुंचता है। और यहां पर मैं पीने की पानी की बात कर रहा हूं, इरिगेशन की नहीं। राजस्थान में भी 75,000 हेक्टेयर ऑफ जमीन को यहां पर इरिगेट इस डैम की वजह से किया जा चुका है। और बहुत बड़े पैमाने पर जो ओवरऑल एग्रीकल्चरल आउटपुट है इन रीजन का वो 2017 के बाद में काफी बड़े पैमाने पर बढ़ा है। और अभी भी कुछ कुछ जो कैनाल वर्क है इस डैम रिलेटेड वो अभी भी जारी है और हेक्टेयर यहां पर जल्दी एड भी होंगे। इस डैम के अंदर इलेक्ट्रिक प्रोडक्शन की बात करें तो 1450 मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ये डैम आज के डेट में प्रोड्यूस करता है। 16% गुजरात को मिलती है, महाराष्ट्र को 27% मिलती है, जबकि एमपी को बचा हुआ 57% हिस्सा मिलता है। वैसे इसकी आधारशिला जो 1961 में रखी गई थी ये इसका पहला कंसेप्चुअलाइजेशन पॉइंट नहीं था। इसके पहले साल 1946 में यानी देश के आजाद होने के एक साल पहले इसका विजन जो है सरदार पटेल जी ने पब्लिक के सामने प्रेजेंट किया था। यानी अगर देखा जाए तो 50 साल से भी पुरानी यह संकल्पना थी। कंक्लूजन अगर कहे तो इस डैम को पॉलिटिकल, एनवायरमेंटल, ट्रेड राइवलरीज, कोर्ट्स, एक्टिविस्ट और कई सारे इसी तरीके के दूसरे सोशल एलिमेंट्स ने जकड़ के रखा। लेकिन इसके बनने के बाद में 3 स्टेट्स को सूखे से राहत मिली, वाटर सप्लाई की कमी कभी महसूस नहीं हुई, इरिगेशन बड़े पैमाने पर हुआ, इलेक्ट्रिसिटी आए। इन चीजों की वजह से इंडस्ट्रीज यहाँ पर ऑलरेडी आना शुरू कर चुकी है और इसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है, देश की इकोनॉमी को मदद मिल रहा है इस एक डैम की वजह से। और ये जो विजन रखा गया था सरदार पटेल जी के द्वारा ये अपने आप में देश के अंदर लोगों को फायदा हो इस हिसाब से सोची गई एक संकल्पना थी जो 30 से 40 साल आगे के से सोची गई थी। और अनफॉर्चुनेटली आज भी हम ऐसे कई सारे प्रोजेक्ट्स देखते हैं जो कई सारे सुपरफिशियल रीजंस की वजह से डिले कर दिया जाता है और जो एंड में जाकर नुकसान होता है वो आम आदमी को ही होता है, गांव में रहने वाले लोगों को होता है या फिर किसी प्रोजेक्ट की वजह से फायदा पहुंचने वाले लोगों को होता है। फिर से एक बार मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि आप अपने नए साल की शुरुआत कुक एफएम के प्रीमियम सब्सक्रिप्शन के साथ में कर सकते हो, जिसके लिए आपको सेल ऑफर में 50% का डिस्काउंट मिल रहा है और इसके लिए NY50 कोड आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो अभी लिंक पर क्लिक करें जो डिस्क्रिप्शन में है और कुक एफएम पर अपनी ऑडियो लिसनिंग जर्नी शुरू करें। Okay.